हेलो फ्रेंड्स, तो आज अपन बात कर रहे हैं भाड़ सिंह प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी एमबीएम जोधपुर, ठीक है, राजस्थान की लो फीस टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है, रेप के अंदर जो है वो फर्स्ट नंबर पर जो होता है वो है एमबीएम जोधपुर, ठीक है। इसका जो फुल नेम है वो मुगनी राम बंगूर मेमोरियल इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो कि जोधपुर के अंदर सिचुएटेड है। ओके, तो इसके अंदर अगर आपको एडमिशन चाहिए तो उसके लिए आपको जो है रेप का अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, ठीक है। तो अब इस बार ये प्रॉब्लम ये आ रही है कि रीप जो है वो जेई के बेसिस पे हो रहा है, 99.99% ये गारंटीड है आईआईटी पटना ड्रॉप आउट विद कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट गेट यानी दिस रीप इज बेस्ड ऑन ओनली एंड ओनली जेई मेंस 2021। ओके, समझ गए। तो फिर प्रॉब्लम ये आ रही है कि जिन बच्चों ने जेई का एग्जाम नहीं दिया है या फिर जिनके जेई के अंदर बहुत ही कम परसेंटाइल आ रही है, जैसे कि 20 से लेकर 90 तक आ रही है, तो फिर यार उनको टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज गवर्नमेंट के अंदर एडमिशन मिल पाना मुश्किल है, क्योंकि जो जेई के अंदर जिन बच्चों ने बोर्ड रखा है 3 परसेंटाइल आ रही है, तो वो ले लेंगे फिर तुम्हारा क्या होगा, तो फिर तुम एडमिशन कैसे लोगे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। और फिर ये जैसे क्या एजुकेशन मिनिस्टर वगैरह क्या डिसीजन लेते हैं जिन बच्चों ने जेई का एग्जाम दिया है, वो कैसे एडमिशन लेंगे। 12th के बेसिस पे पॉसिबल नहीं है इस बात, क्योंकि भर भर के नंबर दिए हैं, सब 96 वालों को भी अगर एडमिशन देंगे टॉप कॉलेजेज वाले 97 से लेकर अगर एडमिशन दिए ना, फिर भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि सभी को एडमिशन मिल पाए, ठीक है। जैसे वो कोटा फैक्ट्री में बोलते थे ना कि अगर 90% वाले अगर अप्लाई करे तो फिर भी 99% का हो नहीं पाएगा, उसी प्रकार इस बार हो रहा है कि अगर 96 प्लस वाले भी अगला अप्लाई करें ना, तो फिर भी 12th के बेसिस पे एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो अगर आप 12th के बेसिस पे सोच रहे हैं तो आप जस्ट इसको बर्खास्त कर दीजिए अपने सिस्टम को, क्योंकि सब कुछ ब्लास्ट हो गया है, ठीक है ना, जमाना चेंज हो गया है, ठीक है, और आतंक तारों और बदल चुका है सब कुछ, क्या होगा समझ ही नहीं आ रहा, अब क्या करें। जे के बेसिस पे हो रहा है, तो कुछ ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं जो डायरेक्ट एडमिशन 12th के बेसिस पे दे रहे हैं, तो नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एमबीएम या फिर राजस्थान के टॉप इंस्टीट्यूट से ज़्यादा प्लेसमेंट 50-60 लाख रुपए तो प्लेसमेंट दे रहा है कम्युनिटी, ठीक है, उसके लिए अगर 50 लाख दे रहे हैं तो उसके लिए हम थोड़ी फीस भी ले रहे हैं, ठीक है, ओनली फॉर 999 रुपीज, ठीक है, 999 रुपीज के अंदर काउंसलिंग कर रहे हैं आपके, ठीक है, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल रहा है तुम्हें, ठीक है। तो जो जिन बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया जेई का या फिर कम परसेंटाइल आई है, तो वो 12th के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन लेने का बिल्कुल सोचे ही मत, ठीक है। और वो अगर आप लोग अगर इसका रीप का जेई वगैरह का वेट करें, तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, ऑलमोस्ट पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर, गुजरात के अंदर, हरियाणा के अंदर 1 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही, तो आप एडमिशन प्रोसेस के बारे में जल्दी सोचें। अगर आपके जेई के अंदर ठीक है तो आप हो सकते हैं रीप IIT JEE, तो अगर आपको अगर नहीं आ रहे अच्छी परसेंटाइल, तो आप जस्ट मूव ऑन करें टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज राजस्थान से बाहर, फिर अगर आपकी पॉसिबिलिटी है तो आप प्राइवेट में भी ले सकते हैं, लेकिन मैं कोई प्राइवेट का कोई परेशान नहीं कर रहा, ना ही मैं कोई प्राइवेट को बहुत बुरा बता रहा हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया, देख लेते हैं रीप के बारे में क्या अपडेट है। तो रीप इसलिए वो नहीं कर रहे कुछ, क्योंकि जो है रीप ओनली एंड ओनली फॉर इसके बेसिस पे होने वाला है, वर्ल्ड के बेसिस पे, तो इसलिए जस्ट पिछले वीडियो में भी कहा था कि जस्ट रीप को सभी को मेल डालना चाहिए कि रीप वालों भैया आप जो है हमारी वेबसाइट जो है वो ब्लॉग स्पॉट वगैरह पे डाल दिया करो, ठीक है, अगर आपके पास पैसे वगैरह नहीं होते हैं तो, ठीक है, RTO वगैरह को बोलना चाहिए कि इसको कंडक्ट करती है कि आप ब्लॉग स्पॉट वगैरह जो फ्री वेबसाइट होती है उस पर डाल दिया करो, पैसे वगैरह नहीं होते हैं तो होस्ट करने के लिए, ठीक है, बच्चों वगैरह को ऐसा दिखाई देता है कि आप परचेज कर लो वेबसाइट डोमेन एक्सपायर हो, तो ऐसा बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। और अगर आप मूव ऑन कर सकते हैं अदर यूनिवर्सिटीज़ की तरफ, अभी CUCET एप्लीकेशन फॉर्म ओपन है, तो आप CUCET के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए बहुत ही कम चांसेस है, हो सकता है ऐसा कोई उपाय निकाले जिसे 12th के बेसिस पे एडमिशन लिया जा सके, क्योंकि यह भी नहीं है कि जस्ट ऑलमोस्ट बच्चों ने राजस्थान से कुछ ऐसे एरियाज है जो जेई के बारे में कुछ जानते भी नहीं है, जिन्होंने जेई के बारे में अप्लाई ना किया हो, IIT से थोड़ा वो जेई मेन एग्जाम के बारे में नहीं पता हो जो लोगों को, तो फिर वो तो जस्ट 12th के बेसिस पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, और फिर उनको पता चले कि 12th के बेसिस पे एडमिशन ही नहीं हो रहा इस बार, तो फिर उनका कैसे हो पाएगा। हो सकता है गवर्नमेंट कोई उपाय निकाल ले एडमिशन के रिगार्डिंग, कॉलेज से कॉन्टेक्ट करके वगैरह। ओके।
और अभी तो जस्ट DU का भी एप्लीकेशन फॉर्म ओपन है, आप उस पर भी ट्राई कर सकते हैं। जस्ट 1 सितंबर तक चलेगा शायद, वो शायद 31 तक ही है, 31 अगस्त या 1 सितंबर तक। CUCT चल ही रहा है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चल रही है, पंजाब के अंदर कुछ गवर्नमेंट है जैसे IIT गुजरात जो है टॉप यूनिवर्सिटी है, उसका पैकेज है वो 35-40 लाख तक जाता है। अब महाराष्ट्र PTU है, अगर आप एरोस्पेस में इंटरेस्टेड है तो मिलिट्री बेस के अंदर BSAC पटियाला है, उसमें भी ले सकते हैं। ठीक है, गुजरात के अंदर ACPC काउंसलिंग अभी शायद 22 तारीख तक एक दिन का टाइम है आपके पास, आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ कल तक है, ठीक है 22 तारीख लास्ट डेट है ACPC की। अभी एक के TU का तो होना है, ठीक है, तो अभी जब अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी है उड़ीसा चाहिए, अगर आप उस साइड जाना चाहिए तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट कुछ चांसेस हैं, अगर राजस्थान में नहीं होता है तो आप मूव ऑन कर सकते हैं अदर स्टेट की ओर। ओके, हॉस्टल फैसिलिटी आजकल होती है अवेलेबल, लेकिन जस्ट देखते हैं अभी जस्ट नोटिस तो कुछ आया नहीं है तो क्या कर सकते हैं। और आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान को टारगेट कर सकते हैं अगर आप CUCT ने अप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो, और आपको जस्ट ऑलमोस्ट 100% एग्जाम का अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहिए। अगर आप टारगेट कर सकते हैं, एक टॉप यूनिवर्सिटी है जहाँ से डॉक्टर अब्दुल कलाम ने भी क्वालिफाई किया था, अन्ना यूनिवर्सिटी है जो कि तो वहाँ पर भी अच्छी काउंसलिंग होती है, DU अच्छा यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और कुछ टॉप टॉप गवर्नमेंट जो प्राइवेट कॉलेज है जैसे ब्रिट्स ब्रिटानी है, ब्रिट्स मेहता, ब्रिट्स मेहता और ट्रिपल आई हैदराबाद है, आप जस्ट JK के थ्रू भी JK के अंदर भी अभी 26 सीटें अवेलेबल है 12 ट्रिपल आई टी कंप्यूटर साइंस एंड सोशल साइंस अवेलेबल है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। यू कैन ट्राई ना बेस्ट दे बिकॉज यूनिवर्सिटी मेरी योर लाइफ में पार्ट हो। थैंक यू गाइस, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, एनी क्वेरी प्लीज कॉन्टेक्ट व्हाट्सएप 9605596। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।